हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बसंत पंचमी पर 10 लाइन निबंध लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन, बसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दूसरी लाइन, हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार हर साल माघ महीने में मनाया जाता है। तीसरी लाइन, यह त्यौहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। चौथी लाइन, बसंत पंचमी सरस्वती देवी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पांचवी लाइन, इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीले फूलों से सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करते हैं। छठी लाइन, सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहा जाता है। सातवीं लाइन,
दोस्तों यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सरस्वती पूजा विद्यार्थियों का सबसे बड़ा पर्व है। बसंत पंचमी को ही सरस्वती पूजा कहते हैं। आठवीं लाइन, विद्यार्थी विवेक और ज्ञान के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। नौवीं लाइन, यह त्यौहार विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों में मनाया जाता है। दसवीं लाइन, मैं इस त्यौहार को बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।